So, student leadership, basic skills, and appropriate activities. We need to learn about all those activities which can produce leadership skills in our children. So leadership skills can make the difference between a child who thoughtlessly follows the arrogant or will of the majority versus the trailblazer who obeys his her own moral principles and sensible convictions. Look, there are some ब्लाइंडली दूसरों को फॉलो करते हैं आए हम ये करते हैं आए हम ये करते हैं और ये उनके पीछे चल पड़े क्योंकि अभी इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ पैदा नहीं हुई लीडरशिप क्वालिटीज़ ये हैं कि आपके अपनी वैल्यूज़ हों आपके अपने कॉन्सेप्ट हों और आपके कन्विक्शनस हों और ये कन्विक्शन जैसे मैंने अर्ज़ किया बड़ी मेहनत के साथ बच्चों के अंदर पैदा किए जाते हैं ख्वाबो वालदे हों ख्वाबो इस हों पूरी कोशिश की जाती है कि बच्चों के अंदर ट्रूथ ऑनेस्टी डेडिकेशन इंटीग्रिटी और सोशलाइजेशन और इमोशनल कंट्रोल पैदा किया जाए और वो किस तरह से किया जाता है मुसलसल प्रैक्टिस के साथ और उनके हर एक्शन को जांचा जाता है भाई ये तो आपने बहुत अच्छा किया ये तो बड़ी अच्छी बात है हाँ इसको दूसरे तरीके से इस काम को दूसरे तरीके से किया जा सकता था इस तरह ये हमारे लिए नुकसानदेह है या हमें इस बच्चे के साथ इस तरह डील नहीं करना था हमें इस तरह से डील करना था तो जो का जो हमारे एजुकेशनस्ट और रिसर्चर्स हैं वो ये कहते हैं कि आप बच्चे के लिए नो का लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें नो जो है वो एक अच्छी फीडबैक नहीं है बल्कि आप क्या करेंगे कि आप उसको ऑप्शंस बताएंगे कि इस तरह की बजाय अगर हम इस तरह से कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर है जो काम आप कर रहे हैं वो भी अच्छा है लेकिन फ़लाँ काम के नतज इससे भी अच्छे निकल सकते हैं और ये कि किसी चीज़ से किसी गलती से आपको क्या नुकसान पहुंच सकता है तो हमने क्या करना है कि बच्चों को अच्छा लीडर बनाने के लिए उनके अंदर वैल्यूज़ पैदा करनी है वैल्यूज़ जितनी भी एथिकल और मॉरल वैल्यूज़ हमारे रिलीजन ने दी हैं या हमें हमारे नॉर्म्स ने हमें दी हैं जिस माशरे में जिस कम्यूनिटी में हम रहते हैं वो हमें नॉर्म्स देता है हमें उन नॉर्म्स के बारे में बच्चों को बताना है कि क्या किया जाता है बड़ों का अदब किया जाता है अपने साथियों से अच्छा सलूक किया जाता है सड़क को बगैर देखे पार नहीं किया जाता और ये कि किसी की किसी के बाग़ में से फूल को बगैर इजाज़त के नहीं तोड़ा जाता छोटी छोटी बातें जो दिन रात हो रही हैं एथिकल या मॉरल वो लेसन हमें उनको साथ, -साथ देने हैं जब बच्चे की वैल्यूज डेवलप हो जाती हैं तो खुद ब खुद लीडरशिप क्वालिटीज उसके अंदर पैदा होने लगती हैं अ गुड लीडर ऑलवेज बी अ गुड लिसनर सो आप जब भी उसके साथ बात करें उसको हल्की फुल्की उसके नतयज या कॉन्सिक्वेंसिस के बारे में ज़रूर बताएं ताकि वो सुने और उसके अपने जहन के अंदर उसको जगा दें लीडर इज नॉट ऑलवेज अ लीडर बट समाइम्स ही कैन बी फॉलोअर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट जैसे मैंने अर्ज़ किया लीडरशिप आइसोलेशन में नहीं होती बिकॉज यू आर अ लीडर एंड यू आर फॉलोइंग सम जैसे हमारे छोटे बच्चे जो लीडर बन रहे हैं वो सबसे पहले हमारे फॉलोअर होंगे क्योंकि हम एज ए लीडर एज ए डर्ल्स एज टीचर्स उनको गाइड कर रहे हैं तो अगर वो हमें फॉलो करेंगे तो वो अच्छे लीडर बनेंगे फिर अपने साथियों को लीड कर सकते हैं या अपने से आने वालों जो छोटी उम्र के हैं जो उनके बाद आने वाले हैं उनको लीड कर सकेंगे तो अब उनको एक अच्छा फॉलोअर होना भी ज़रूर है और फॉलोअर तब होंगे जब आप उनको अप्रीशियेट करेंगे वट एवर यू से दे डू इट यू अप्रीशियेट एंड दे आर री फिर इसी तरह से आप छोटे छोटे टास्क देंगे छोटी छोटी अचीवमेंट्स उनकी सेलिब्रेट करेंगे किसी बच्चे ने लॉन को साफ कर लिया तो आप उसको सेलिब्रेट करेंगे उसको रिवॉर्ड देंगे किसी ने किचन में कोई छोटी सी कुकिंग की है उसको आप रिवॉर्ड देंगे अगर उसने अपने छोटे बहन भाई को कोई चीज़ अपनी आ, साफ सुथरी करके एज ए गिफ्ट उसको दे दी है उसको आप अप्रीशियेट करेंगे सो so, जब आप उनकी वैल्यूज़ डेवलप करेंगे तो वो खुद ब खुद अपने आप को एक बेहतर इंसान महसूस करेंगे और दूसरों की खुशियों से खुश होने का फन जानेंगे सो so, ये सारी लीडरशिप क्वालिटीज़ जो हैं वो बच्चे में पैदा करनी जरूरी हैं फिर हम ये कहते हैं कि लीडर हैज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन देखिए बच्चों के सामने छोटी छोटी सिचुएशंस रखें ताकि वो उनको रिज़ोल्व करें और फिर जब रिज़ोल्व करेंगे तो यकीन उनको खुशी होगी और यही बाद में जाके लीडरशिप क्वालिटीज़ जो हैं वो पैदा करती हैं सिचुएशंस जो हैं वो आप आ, अगर वालदे हैं तो घर में छोटे छोटे जो ऐसे मसले हैं जो बच्चे हल कर सकते हैं तो आप उनकी मदद कीजिए कि वो उनको हल कर लें मतलब अपने कमरे की सफाई के अंदर कौन सी चीज़ जो है वह कोई ब्रोकन पार्ट है उसको कैसे ठीक करना है आ, किस तरह से चीज़ों को रखना है कौन से कॉर्नर में कौन सी चीजें रखनी है तो छोटे छोटे मसाइल ऐसे होंगे जिनको बच्चे ठीक तरह से हल कर पाएंगे तो फिर उनको आप अप्रीशिएट करेंगे फिर जब वो किसी भी सिचुएशन में हो बागीचे में जाएं तो आप उनको गाइड कर सकते हैं कि आप अपने इर्द गिर्द देखें कि किस तरह के दरख्त उगे हैं कौन सी जगह है यहाँ से खाने की जगह कितनी दूर है या बाकी जो वाशरूम्स वगैरह हैं वो कहाँ पे हैं इसके अलावा और दूसरी जगह जो हैं वो कहाँ पे हैं या आप उसको कोई आ, कोई भी सिनेरियो दिखाते हैं तो वो उसमें से चीज़ों को आइडेंटिफाई करता है कहाँ पे कौन सी चीज़ रखी हुई है इसका फंक्शन क्या है या यहाँ क्यों रखी हुई है तो जो सिचुएशन का एनालिसिस है उसे बच्चे को बार बार अगर आप सिचुएशन पेश करके उसके एनालिसिस की उसको दावत दें तो वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है उसके लिए